इस वक्त अल मुदस्सर ट्रस्ट में 500 से ज़्यादा स्पेशल बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 100+ बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, इनमें ब्लाइंड हैं, इनमें मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, इनमें डेफ बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं। तो ये बच्चे हम सब के बच्चे हैं, हम इनको टोटली फ्री एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। इन बल्कि 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी टोटली फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्वालिटी एजुकेशन, हम इनकी तालीम और तरबियत इस तरीके से कर रहे हैं कि ये कल को किसी के मुताज ना रहे, तो ये बच्चे किसी के घर में भी पैदा हो जाते हैं। कोरोना की वजह से हमने बहुत सफ़र किया। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं साथ। तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें एक छत के नीचे हम टोटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हॉस्पिटल जिसमें हर किस्म का इलाज स्पेशल लोगों के लिए, अगर कोई स्पेशल है तो उसका हर किस्म का ट्रीटमेंट, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फिर इनके मसनूई अज़ा, ये सब कुछ मुमकिन है आप लोगों के तामन के साथ। देखें, ये बच्चे किसी के घर में पैदा हो जाते हैं, आए अपनी औलाद का सदका समझ के, अपना सदका समझ के तो यहाँ डोनेट करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें और इन लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करें, ताकि ये ज़िंदगी में किसी के मुताज ना रहे और ये मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो ये सब कुछ मुमकिन है आप लोगों के तामन के साथ। मैं अपील करता हूँ अपने इलाका के लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान की मीर तरीन तहसील है खारियाँ, इसके लोग दुनिया की हर जगह पे मौजूद हैं, तो इन लोगों के लिए एक दारा अल मुदस्सर जैसा एक दारा चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक नहीं, 100+ दारे जो हैं ना, वो अपनी मदद आपके तहत चला सकते हैं। तो जो मेरे बस में था मैंने इसको किया है और कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों का तामन दरकार है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए हमारे दस्तबाजों पर, ताकि हम इनकी बेहतर खिदमत कर सकें। जदाकल्ला।